गुलबर्गा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर है। हर वार्ड में सियासी सरगर्मियां देखी जा रही हैं, सियासी गहमा गहमी देखी जा रही है। फिलहाल हम गुलबर्गा के वार्ड नंबर 41 में मौजूद हैं। एमएस के मिल मिसबा नगर चौक के पास का ये एरिया वगैरह आता है, जिसमें इकबाल कॉलोनी, हुसैन गार्डन वगैरह आता है, जहाँ से WPI ने शाहजहां बेगम जो अब्दुल सलीम साहब सलीम साहब चितापुरी की अहलिया मोहतरमा है, उनको मैदान में उतारा है। हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साहब चितापुरी, जो WPI के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। तो उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा को वार्ड नंबर 41 से मैदान में उतारा। आइए बात करते हैं किस तरह का यहाँ पर सियासी माहौल है, किस तरह के अवामी इश्यूज लेकर पब्लिक के सामने जा रहे हैं, क्या इनके पास पाइपलाइन है, क्या इनके पास मंसूबा साजी है, क्या इनके पास अवाम के देने के लिए नई चीज़ क्या है। देखिए, हमने पिछले 7-8 साल से जो चीज़ यहाँ शहर के जो हमने जो देखे हैं, जो जिन मुद्दों पे जने पब्लिक के क्या ज़रूरियात हैं, उनके रिक्वायरमेंट क्या हैं, जो हम जो चीज़ को देखे हैं, वही हमने अपना मैनिफेस्टो तैयार किए हैं। मिसाल के तौर पे शहर के अंदर सबसे बड़ा मसला जो वो है, तो वो है पानी, साफ पानी का। आज हमारा शहर एक स्मार्ट सिटी कहलाने के बावजूद भी एक आम आदमी नल के ज़रिए से साफ पानी पी नहीं सकता, या तो उसको गंदा पानी मिलेगा या तो उसको 8 दिन में एक बार पानी मिलेगा, 4 दिन में एक बार पानी मिलेगा। पहले तो उसको रोज़ाना पानी मिलता नहीं, जब पानी आता है तो साफ पानी नहीं आता। ये हमारा मैनिफेस्टो है, पहला है। और हमारा दूसरा जो मैनिफेस्टो हमने अपने पार्टी के जो तैयार किए हैं, वो दूसरा ये है कि भाई हर वार्ड में एक हेल्थ सेंटर, एक हेल्थ यानी पब्लिक हेल्थ सेंटर हम यहाँ कायम करें। इसलिए कि गवर्नमेंट का जो दवाखाना, यहाँ से एक दवाखाना जो है, जो बड़ा दवाखाना जिसको कहलाते हैं, जिसको बड़ा दवाखाना बोल के पूरी पब्लिक वहाँ जाने पे मजबूर हैं, ऐसे ज़रूरियात ऐसे दवाखाने हर वार्ड में हो, ये हमारा दूसरा मैनिफेस्टो में हमने ये बात को रखी है, हर वार्ड में एक दवाखाना कायम करें। दो इश्यूज़ तो आपने बताए थे, एक इशू बताया आपने कि पीने के पानी की सप्लाई करेंगे, दूसरा इशू बताया आपने कि एक पब्लिक हेल्थ सेंटर आप कायम करें, और क्या इश्यूज़ हैं जो आपके जहन में, जो आपके, हालांकि आप एक सियासी जमात के WPI के आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं, और क्या इश्यूज़ आप देख रहे हैं वार्ड में जो पब्लिक को चाहिए? जैसे बिजली का एक मामला भी बताया, एक बड़ा इशू होता है कि बिजली जाती है तो घंटों चले जाती है, और जैसे कि कच्ची पक्की सड़कें वगैरह होती हैं या फिर तंग गलियां वगैरह होती हैं, और क्या क्या इश्यूज, और कचरे का इशू वगैरह होता है एरिया में, तो ऐसे क्या क्या इश्यूज आपने पॉइंट आउट किए हैं जिसको लेकर आप अवाम के दरमियान जा रहे हैं? देखिए, हमारे पास ये नाली, सड़क, ड्रेन, लाइट, ये तो मेन चीज़ें हैं जो इन एक साफ़ सुथरा रखने के लिए, माहौल को साफ रखने के लिए, अपने गंदगी को पाक करने के लिए, अपने घरों के सामने सारे चीज़ों को साफ सुथरा रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। ये हमारा इश्यूज़ है, हम इसके ऊपर पूरी मेहनत और दयानतदारी के साथ में जब हम इख्तदार में आएंगे तो पूरा इसके ख्याल करते हुए इसको पूरी सफाई काम करेंगे। दूसरा और एक बात है, वो ये है कि कारपोरेटर की जिम्मेदारी में जो जो चीज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, एक गरीब औरत, या गरीब हो या अमीर हो या मिडिल क्लास के कोई भी रंदे, औरत जब हामिला होती है तो उसकी क्या, गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है? ये आज तक ये चीज़ जो है ना हमारे को जहनों में नहीं है, हमको मालूमात में नहीं है। एक आंगनवाड़ी टीचर को सर्वे के लिए भेजा जाता है, जो उस वार्ड में जाए, उस घर को जाए कि जिस घर में औरत हामिला है, पहले महीने में उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, उसकी रहनुमाई करना है, और दूसरे महीने में उसको क्या ट्रीटमेंट देना है, और उसकी रहनुमाई करना है, उसकी रिपोर्टिंग करना है। और ये काम कर, ये जो आंगनवाड़ी टीचर होती है वो कर रही है या नहीं कर रही है, इसका निगरान कार जो होता है वो कारपोरेटर होता है। कारपोरेटर की जिम्मेदारी में आती है बात कि हमारे वार्ड में कितने आंगनवाड़ी टीचर्स हैं,
वो अपनी जिम्मेदारी कहाँ तक निभा रहे हैं उसको देखें और उसको वाच करें। और क्या इश्यूज़ हैं, जैसे कि ऑफिस से पहले भी बताए थे कि जो बेवाओं का वजीफ़ा वगैरह आता है वो भी एक जिम्मेदारी होती है, और जो बच्चों के एडमिशन्स वगैरह जो RTA के तहत वगैरह होते हैं वो भी एक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी होती है, जैसे कि आश्रय के मकानात वगैरह की जिम्मेदारी वगैरह भी होती है, और क्या क्या जिम्मेदारी है जो पब्लिक शौर नहीं है उस पर आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, एक कॉर्पोरेट की जिम्मेदारी में एक कॉर्पोरेट जब उस वार्ड का चुनकर आता है तो वो उस वार्ड की एक एक चीज़ का जिम्मेदार कॉर्पोरेट होता है, चाहे वो घरों का मसला हो, जो गवर्नमेंट की से जो प्लाट अलाटमेंट होते हो या आश्रा कॉलोनी से के जरिए से उसको घर प्लाट जो भी अलाट होते हैं वो पूरी दयानतदारी के साथ में जो मुस्तैक हैं उनको जांच कर परख कर वाकई वो मुस्तैक है, उसको रहने के लिए घर नहीं है, तो ऐसे लोगों को पॉइंट नोट करके उनके घर तक जाके वो अगर उनको घर अगर मुहैया करता फ्राम कराता है तो एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। अब तो आपके वार्ड नंबर 41 पर आते हैं, तो आपने वार्ड नंबर 41 से आपके अहलिया मोहतरमा को उतारा है, तो थोड़ा सा उनका तारुफ कीजिए, क्या क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, तजुर्बा वगैरह किस तरह का है, कुछ रोशनी डालिए। देखिए, जब से हम दोनों एक ही गांव से हैं, हम लोग चितापुर से पहले हम लोग वहीं पैदा हुए, वहीं बड़े हुए, वहीं हमारी तालीम हुई, वहीं कारोबार करते थे हम लोग, बाद में गुलबर्रा शिफ्ट हुए। जब हम लोग कोई इस्तेमाल करते थे तो हमारी अहलिया उस वक्त पेश रहते थे, जब कोई खिदमत खल्क का काम आता था मोहल्ले के अंदर तो वो पेश रहते थे, जब उनका स्कूल का ज़माना हम देखे हैं तो वहाँ पर उन्होंने मॉनिटर करते थे जो अपने क्लासों में, और इस तरह से वो शुरू से एक खिदमत खल के जज्बे के साथ में उनका जहन डेवलप हुआ है, और यही चीज़ को जानते हुए मैं समझते हुए मैं अपनी अहलिया को मैदान में उतारा हूँ कि इनके अंदर ये जज्बा है और इंशाल्लाह इनके अंदर ये जज्बे के तहत ये काम करने की खातून है और ये अपने काम में पूरी उतरेगी। इन्होंने 10th तक तालीम हासिल किए हैं, अब क्योंकि वहाँ हमारे गांव के माहौल के हिसाब से लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने के लिए वहाँ लोग तैयार नहीं रहते, लेकिन तालीम के अलावा जो मालूमात हैं वो माशाल्लाह, क्योंकि अवामी मसाइल को जो बारीकी से उन्होंने जानते हैं वो बहुत अच्छे हैं। अवाम के दरमियान जा रहे हैं तो रिस्पॉन्ड कैसा मिल रहा है, पब्लिक कैसा आपके सामने रद्दअमल, किस तरह से आप गुज़श्ता कई बरसों से यहाँ पर खिदमत खल्क के काम में लगे हुए हैं, तो आपने अपना नाम निशान बाज़ाब्ता आप एक इंतखाबी सियासत में मैदान में उतर रहे हैं, तो पब्लिक की जानिब से रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? पब्लिक की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर, लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो मैदान में उतरे हैं ये हमें खुशी है और इंशाल्लाह हम आपके साथ में हैं और आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। अवामी रिस्पांस अच्छा है और इंशाल्लाह हमारी जीत यकीनी है, अल्लाह की ज़ात से हमको उम्मीद है, अल्लाह हमको ज़रूर कामयाब करेंगे। सर, अवाम से क्या अपील करना चाहेंगे जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती है, क्या अपील करना चाहिए अवाम से कि वोट तो हर कोई मांग रहा है, तो आपके पास क्या एक इनफरादी बात है जो आप अवाम से कहेंगे? जब कभी भी किसी भी इशू का हमारे सामने जब कोई आता है, चाहे वो कौम का हो या वार्ड का हो या स्टेट का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो या आलमी सतह हो, हमने हमेशा इस काम को इस इश्यूज़ को पहले उठाए हैं और पहले उसको एहतजाज किए हैं और उसके लिए भरपूर नुमाइंदगी करें, ये आवाम के सामने है और आवाम जानती है। हमारे इस काम को सामने रखते हुए हम आवाम से अपील करेंगे कि हमें एक मौका दीजिए, क्योंकि हम इलेक्शन में पहली बार खड़े हैं, अब तक हम लोग खिदमत कल के काम, आवाम के खिदमत के काम, कौम की जो भी नाइंसाफियां होते हैं इसके खिलाफ हम कई चीज़ों में हम इन्वॉल्व होकर के उसके खिलाफ आवाज़ उठाए हैं, ना सिर्फ कौम की बल्कि तमाम इंसानियत की, बिला मजहब मिल हम पूरे चीज़ को जो है हम उठाए हैं और उसका एक यानी यूँ समझिए कि अपोजिशन के तौर पर हमने पूरे शहर के अंदर काम किया है, चाहे वो किसी भी इशू पे हो, ब्लाइट का मसला हो या कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, पिछले जो है ना ये मामला चल रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स में कई हेरा फेरी हो रही थी, इस मामले में हमने भरपूर
नुमाइंदगी की है। कई चीज़ें जो है ना वोटर लिस्ट से गायब हो जा रही थी, इसमें हमने बहुत भरपूर नुमाइंदगी की है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो पब्लिक जानती है। पिछले कई सालों से हम हमारे घर के अंदर मोहल्ले में हेल्थ कैंप किए हैं, वोटर आईडी कैंप किए हैं और आधार के करेक्शन के कैंप किए हैं। ऐसे कई गवर्नमेंट के जो स्कीम हैं, पिछले 4-5 साल से हमने इस वार्ड के अंदर एक ऑफिस खोल के रखे हैं, जो खिदमत खल के लिए हमने एक बंदे को बिठाए हैं, वहाँ पर पूरी फ्री सर्विस देते आए हैं। ये काम है हमारे, हम जो हम करते आए हैं। और यहाँ के अवाम, यहाँ के हमारे वार्ड के लोग जानते हैं कि वो ये लोग खिदमत के काम में हमेशा से जुड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह इनको अगर हम जिता के लाएंगे तो हमारे काम में और आसानी और हमारे फ़ायदा होगा। इस जज्बे के साथ लोग यहाँ के हमें जिताने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हम ज़रूर जीतेंगे। मैं तमाम मर्द व ख़वातीन जो इस मेरे वार्ड के हैं, जो मेरी अहलिया खड़े हैं, मैं उनकी जानिब से ये अपील करता हूँ कि आपने हमारे खिदमत को शुरू से देखते हैं, एक मौका दीजिए, हमको मौका दीजिए कि हम एक बार हमको जिता कर देखिए, हम इस वार्ड को कैसे वार्ड बनाएंगे, एक मिसाली वार्ड बनाने का हम जज्बे से मैदान में आए हैं। आप लोगों से गुजारिश है, मर्द और ख़वातीन से, कि हमें एक मौका दीजिए और हमें भारी अक्सर से जिता करके कॉरपोरेशन में भिजाइए, फिर हम बताएंगे कि कॉरपोरेशन के एक कॉरपोरेटर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है और वो कॉरपोरेटर को क्या क्या करना चाहिए। हम करके दिखाएंगे लोगों में के विश्वास को, लोगों के भरोसे पे हम पूरे उतरेंगे। शुक्रिया सर। ये थे जनाब सलीम अहमद चितापुरी, जिनका ये कहना है कि अगर सो मुंतखब होते हैं तो उनके तरजीहात में सबसे पहले तरजीह जो है मोहल्ले में साफ़ पानी की फ्राहमी करना है, तो उनकी पहली तरजीह है। इसके अलावा कई तरजीहात, जिस तरह से एक कॉरपोरेटर में जो भी आते हैं, एक बिजली, पानी, नाली, इनके अलावा भी जिस तरह से अवामी खिदमत है, जैसे बेवाओं का वजीफा है, जिस तरह से गरीबों को आश्रय कॉलोनी में मकानात वगैरह दिलाने के, इस तरह के कई इश्यूज़ जो कॉरपोरेट के हदूद में आते हैं, उन तमाम को अवलीन तरजीहात में शामिल करते हैं, अवामी मसाइल की एक्सोई के लिए अपनी तमाम तर तवानाई लगाएंगे। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद मीर।